लखनऊ के बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। बता दें, एक बिल्डिंग ढहने के बाद उसके मलबे में ट्रक फंस गया था। आईएएस पूजा खेडकर पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कुकी मैतई के बीच फायरिंग, जिरीबाम इलाके में हुई हिंसा, 5 लोगों की मौत। विनेश को कांग्रेस से टिकट मिलते ही फायर हुए बृजभूषण शरण सिंह, कहा दोनों पहलवानों का सच सामने आया, कांग्रेस की लुटिया डुबोएंगे विनेश बजरा। अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना के बीच विवाद जारी, गुलाबराव पाटिल ने अजित पवार के वित्त मंत्रालय को बताया सबसे बेकार और नालायक मंत्रालय। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से आपके गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बड़ा बयान, कहा हम पूरे तरीके से तैयार, पार्टी के आदेश का इंतजार। आज विनेश फोगाट का जींद के बख्ताखेड़ा में सम्मान किया जाएगा। जींद में हरियाणा कांग्रेस प्रकोष्ठ की बैठक में लिया गया फैसला, विनेश को पौली गांव से जुलूस के साथ गांव तक लाया जाएगा। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रामबन बनिहाल में सार्वजनिक रैलियों को करेंगे संबोधित।